जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए वतन छोड़ गए और कुफार से जंग करते रहे, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि उनमें गुनाह बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर उनके गुनाह फायदों से कहीं ज्यादा है। और ये भी तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कौन सा माल खर्च करें, कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो, यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो। और तुमसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तकलीफ में डाल देता, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।